भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। अब तक कोरोना वायरस से 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। ऐसे में बिहार में भी कोरोना लगातार तेजी से पैर पसारता जा रहा है और कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरे देश को कोरोना को लेकर 21 दिनों तक के लिए लॉकडाउन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में लॉकडाउन का क्या आलम है, आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं नवादा के रजौली चेक पोस्ट की, जहां अन्य राज्यों से आए लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रजौली चेक पोस्ट पर भारी संख्या में लोग पहुंचकर बिहार में प्रवेश कर रहे हैं। रोजाना हजारों की संख्या में बंगाल, यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और गुजरात और अन्य कई राज्यों से लोग बिहार आ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के द्वारा लगातार चेक पोस्ट पर बाहर से आ रहे लोगों की जांच कराई जा रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आए लोगों के लिए जांच की कैसी व्यवस्था होगी। इस भीड़ को रोकने के लिए प्रशासन बाहर से आने वाले वाहनों पर फाइन भी लगा रही है, लेकिन फिर भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच सवाल ये उठता है कि जब पूरे देश में लॉकडाउन है तो फिर इतनी संख्या में लोग कैसे बिहार पहुंच रहे हैं? आखिर लॉकडाउन के दौरान इतनी गाड़ियां कैसे बिहार के बॉर्डर तक पहुंच रही हैं? न्यूज़ डेस्क।